नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए और वापस आकर मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, हाइपर एसिडिटी की समस्या है, आप चाय नहीं पी सकते, जैसे ही एक घुट चाय का पीते हैं आपके सीने में जलन होने लगती है, पेट में जलन होने लगती है और इस जलन के कारण खाना भी बाहर की तरफ आता है, गले की तरफ जलन आने लगती है। दोस्तों चाय छोड़ो, आप बिल्कुल भी मिर्च मसाला नहीं खा पाते तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। दोस्तों मैं आज आपको सिर्फ एक ऐसा सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने जा रही हूँ जिसे अगर आपने अभी स्टिमुलेट कर लिया, अभी उत्तेजित कर लिया, बताऊंगी कैसे पॉइंट को प्रेस करना है और उसकी एग्जिट जगह कहाँ पर है, और अगर आपने कर लिया तो आपकी एसिडिटी नहीं बनेगी। पर ध्यान रखिएगा कि आपने मिर्च मसाले वाली चीजों को जरूर अवॉइड करना है। वो कैसे, आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए कि मेरे यहाँ कोई पिंपल हो गया, मैं ढेरों दवाइयां खा रही हूँ और दवाइयां जो हैं, जो भी मैं दवाई खा रही हूँ इस पिंपल को ठीक करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पिंपल है, पिंपल नहीं है वैसे, तो अगर मैं बहुत सारी दवाइयां खा रही हूँ और वो दवाइयां बहुत अच्छी हैं, वो मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, वो बहुत जल्दी पिंपल को ठीक कर देती हैं, लेकिन मैं रोजाना क्या करती हूँ उस दवाई के साथ साथ जो यहाँ पिंपल है उसको रोजाना नेल से ऐसे खरोती रहती हूँ, रोजाना नेल से ऐसे खरोती रहती हूँ, रोजाना नेल से ऐसे खरोती रहती हूँ, क्या वो पिंपल ठीक होगा? नहीं होगा ना। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मैं उसको रोजाना खराब ही कर रही हूँ, मैं उसको ठीक कर ही नहीं रही। उसी हिसाब से ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत काम का है, अब्बल नंबर का है। दोस्तों ये 100% काम करता है, लेकिन उसके साथ आपको ऐसी चीजें जो कि बॉडी में एसिड को बढ़ाती हैं उनको अवॉइड करना होगा, जैसे कि आपने चाय, कॉफी या फिर किसी भी तरह के कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा आपने मिर्च मसाले वाली चीजें भी अवॉइड करनी है। जितना हो सके सैलेड ज्यादा खाएं ताकि आपकी बॉडी के अंदर ठंडक ज्यादा जाए। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है। दोस्तों सबसे पहले हमें अपना हाथ देखना होगा और हाथ के अंदर जो इंडेक्स फिंगर है, लेफ्ट हैंड की बात कर रही हूँ, फिर मैं आपको राइट हैंड में भी बताऊंगी क्योंकि दोनों हाथों में आपको बराबर प्रेस करना होगा। लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, यानी ये सबसे पहली वाली फिंगर, इसको हमने स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट करने के लिए यानी यहाँ ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करना है, तो ये मैंने एक्यूप्रेशर की रिंग का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये रिंग नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं है, आप हाथ से प्रेस कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर मंगवाना चाहते हैं तो जहां से मैंने मंगवाई है मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। दोस्तों इस तरीके से कीजिए। कितने मिनट के लिए करना है? तो सिर्फ एक मिनट के लिए आपने इसे स्टिमुलेट करना है। ये बॉडी में से एसिडिटी को दूर कर देगी, एसिडिटी रिमूव हो जाएगी। ध्यान रखिएगा दिन में आपने इसे 3 बार करना है, खाना खाने से 30 मिनट पहले। अब बात आती है राइट हैंड की। राइट हैंड में भी आपने एक जगह पर स्टिमुलेट करना है, ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करना है, वो है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर पर मैंने ये रिंग डाल दी और इस तरीके से आप इसे भी स्टिमुलेट कीजिए। नॉर्मल हाथ से जब ऐसे करेंगे ना तो बहुत इजीली हो जाता है। ऊपर करो नीचे करो, ऊपर करो नीचे करो, ये स्टिमुलेट हो रहा है। अगर आप हाथ से करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, ये तो है सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट, पूरी पूरी फिंगर पर करना है, यानी कि जैसे ये रिंग फिंगर पूरी और ये इंडेक्स फिंगर पूरी। ऐसे करने से बॉडी के अंदर एसिड बढ़ने की प्रक्रिया कम हो जाएगी, जो तेजाब ज्यादा बन रहा है वो घट जाएगा। इसके अलावा आपने एक मुद्रा बनानी है। मुद्रा को बनाने के लिए, मुद्राएं जो होती हैं वो हमारे मन पर काम करती हैं, हमारी अंतर की आत्मा पर काम करती हैं। दोस्तों उसके लिए आपने इंडेक्स फिंगर और थंब, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और इस तरह से कर लीजिए। कम से कम दिन में 15 मिनट के लिए करना है। दोस्तों आप कैसे भी 15 मिनट के लिए दिन में सुबह और 15 मिनट शाम को, यानी पूरे दिन में 30 मिनट के लिए अगर करते हैं तो जितनी भी एसिडिटी बनती है, हाइपर एसिडिटी, चाहे बच्चा है, युवा है, बुजुर्ग है, सब पर ये काम करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और मुद्रा। दोस्तों ये था एसिडिटी को दूर करने का कंप्लीट ट्रीटमेंट। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कम से कम अपने 7 दोस्तों के साथ, यानी कि 7 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फायदा मिल सके। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।